हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। वीडियो का टॉपिक है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। और आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि किस तरह से रीडिंग को देखें, यानी कि नाम से हमारी राशि है। जी हाँ, अगर नाम से आपकी राशि है वृश्चिक स्कॉर्पियो तो भी देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन या फिर मून साइन है स्कॉर्पियो या वृश्चिक तो भी देख सकते हैं। और अगर आपका राइजिंग साइन है, अब राइजिंग साइन कोई बताता नहीं है कि व्हाट इज दिस राइजिंग साइन, तो राइजिंग साइन का मतलब होता है आपकी लग्न राशि, आपका असेंडेंट साइन, ठीक है। अगर वो स्कॉर्पियो है, ठीक है, वृश्चिक है, तो भी आप ये देख सकते हैं और आपके हर एक पहलू को कुरेदने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू, और देखने की कोशिश करेंगे कि लव लाइफ, करियर, ठीक है, सक्सेस, ग्रोथ, बाहर जाने का एस्पेक्ट, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें कैसी रहेंगी आप लोगों के लिए, और आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है, और आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ऑरा कैसा रहेगा, क्या गाइडलाइंस हैं आप लोगों के लिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो सब इस एक ही रीडिंग में सितंबर महीने के लिए देखने की कोशिश की जाएगी। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, यानी कि कोई भी स्कॉर्पियो सोल ट्राइब इसको देख सकता है, और जिस तरीके से जो क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, तो इसकी हर एक चीज़ आप लोगों से सभी से रेजोनेट नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसीलिए जनरल है और कलेक्टिव है। और अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल पेड रीडिंग, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कमेंट्स में, और उनका आंसर कैसे दिया जा सकता है, उनका आंसर तो पर्सनल रीडिंग से ही दिया जा सकता है, और पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल पेड रीडिंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरो की रीडिंग रहती है, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं पढ़ती हूँ, और क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल्स के थ्रू हील कर देना, लाइक मैं भी क्रिस्टल्स पहनती हूँ, ठीक है, और वो सारे गाइडेंसेस और स्विच वर्ड्स, रेमेडीज़, उस सब चीज़ों में मैं डील करती हूँ। अगर उस तरह की कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग्स आपको रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कमेंट में पिन कर दिया करती हूँ, ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हर चीज़ के बारे में, ठीक है, ओके। ओके, सो ये है आप लोगों के कार्ड्स। कार्ड्स में मैंने शायद डेक उल्टा पकड़ा है, यस हाँ, तो मैंने ही डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हैंग्ड मैन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जस्टिस है यहाँ पे, एट ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ठीक है, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। सो ये कार्ड्स आपको आई थिंक अच्छे से विजिबल हैं, और पता नहीं क्या हो रहा है, सितंबर की रीडिंग्स ना सभी की हैवी आ रही हैं, भारीपन है, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट का बैगेज है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का, जैसे ना आप उसे अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, आपकी साइकी में बहुत ज़्यादा भार है, वो सारे भार को लेके ना पूरा ही सोल ट्राइब चल रहा है। अलग अलग सोल ट्राइब का तो आ ही रहा है, और अलग अलग सोल ट्राइब मिलके ही बनता है होल सोल ट्राइब, तो उसका भी मतलब कलेक्टिव बहुत हैवी है सितंबर के लिए। हालांकि सितंबर में, सितंबर एक प्रॉमिस के लिए आ रहा है कि हाँ वो चीज़ों को ठीक करेगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत
हैवी हो गई हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है कि अगस्त में रहा है मर्करी का रेट्रोग्रेड, और मर्करी रेट्रोग्रेड की वजह से सभी के झगड़े, मिसकम्युनिकेशन और चीज़ें छूट जाना, रिश्तों का टूट जाना, रिश्तों में गलत फहमियाँ होना, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ें बहुत जल्दी हुई हैं, मतलब पटक से कोई गलत फहमी हुई, पटक से रिश्ता खत्म हो गया, इस तरह की चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ। उफ़, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, मेरा ना मन भी नहीं करता, बहुत बार इतनी हैवी एनर्जी होती है उनके साथ डील करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, और सारे के सारे एक ही मैसेज कैरी कर रहे हैं कि कुछ हुआ है, तेजी से हुआ है, अचानक से कोई गलत फहमी आप लोगों के बीच में, या आप लोग जिनके भी साथ, चाहे ऑफिस में, चाहे घर पे, चाहे कोलीग्स के साथ, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके दोस्तों में, तो किसी भी सर्कल में ना बहुत तेजी के साथ अचानक से ही कोई गलत फहमी क्रिएट हुई है, और मतलब एकदम से ही ब्रेकअप्स हो जाते हैं ना बहुत बार। हम कुछ रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में ना जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, और मोस्टली तो ये फ्रेंडशिप वाले और लव रिलेशनशिप्स ही होती हैं, क्योंकि बाकी रिलेशनशिप तो आपके तब से ही हैं जब से आप पैदा हुए हैं, तो ये लंबे रिश्ते हैं और बहुत अच्छी आप लोगों की थी आपस में, लेकिन अचानक से कोई ऐसी गलत फहमी क्रिएट हो जाना कि टूट गया, और ऐसे टूट गया कि जैसे कुछ था ही नहीं, तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी क्योंकि ये बहुत अक्यूट है, और ये जितनी भी मिसकम्युनिकेशन हुई है, जितनी भी क्या बोलते हैं गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सारी हुई है मर्करी रेट्रोग्रेड की वजह से, और ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, और ये सभी की आ रही है, क्योंकि ना सभी इसी एनर्जी में है, जैसे कि कोई झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और एकदम से डिसीजन ले लिया कि छोड़ के चले जाना है, ठीक है, पता भी नहीं है कहाँ चले जाना है, किसके पास चले जाना, क्या करना है, क्या होगा मेरा, बट कहीं ना कहीं अपना बैगेज बांध लिया है कि चल पड़े हैं, ठीक है, और नेगेटिविटी की राह पे हैं फिलहाल, नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव ही दिख रहा है, और नेगेटिविटी के समुंदर में कहीं ना कहीं ये आपकी नाव है जो गोते लगा रही है, जिसको नहीं पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, ना दिशा है ना दशा आप लोगों की ठीक है, आप लोगों की हेल्थ भी ठीक नहीं है, आप लोगों को कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं इस टाइम पे, ओवरथिंकिंग तो आप कर ही रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, भूख ना लगना, ठीक है, सेल्फ केयर ना करना, किसी से ना मिलना, चुप हो जाना, और ऐसी चुप्पी हो जाना कि बोलना चाहें तो भी बोल नहीं पा रहे हैं, इस तरह का मुझे यहाँ से फील हुआ है। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, पॉजिटिविटी की कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, टोटली नेगेटिव सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं, ठीक है, जीवन क्या है, जीवन दुख है, इस तरह के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, ठीक है, जीवन में कुछ नहीं है, और ये सच है, जीवन में अपने आप में कुछ भी नहीं है, जीवन में जो आप भर लेते हो वो है, आप जीवन को भर सकते हो दुख के साथ और आप बोल सकते हो कि जीवन दुख है, आप जीवन को भर सकते हो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, एक ग्रेटफुलनेस के साथ, तो फिर वो आपकी रियलिटी है, आप जीवन को प्यार के साथ भर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी रियलिटी है, और आप बोलोगे कि प्यार तो मैं तो चाहता हूँ या मैं तो चाहती हूँ प्यार, मुझे ही कोई प्यार नहीं करता है, तो मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ कि जो पहले आप दोगे फिर आप लोगे, वो वाले प्यार की बात नहीं, एक प्यार होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है हमारा, हमारे ही लिए, कोई हमें प्यार करे या ना करे वो हमारे लिए ही होता है, ठीक है, और अगर आपको कोई प्यार नहीं करता है गाइस, फिर तो ये और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को प्यार करें, अगर कोई इंसान है जिसको प्यार करने वाले 100 हैं, ठीक है, तो वो तो ना भी करे खुद को प्यार तो भी चलेगा, अगर कोई आपको प्यार नहीं करता है फिर तो ये और भी ज़रूरी है कि आप खुद को प्यार करें, ठीक है, अगर आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तो फिर तो ये और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप तो कम से कम अपने साथ रहें, और यहाँ पे आपने अपना साथ छोड़ा हुआ है, अपना साथ छोड़ देना क्या होता है, अपनी केयर नहीं करना, अपना ध्यान नहीं देना, अपनी हेल्थ को खराब करना, ठीक है, नेगेटिविटी में फंसे रहना, अपने वाइब्रेशंस को बहुत लो कर लेना, जब हमने अपने वाइब्रेशंस को बहुत लो कर लेते हैं तो उसी वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट होने वाले लोग और परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, सो अगर हमें अच्छा करना है, हम अकेले हैं, किसी के साथ हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें हमारी वाइब्रेशंस का एक लेवल रखना पड़ेगा ताकि उसी वाइब्रेशंस के लोग हमारे पास आ सकें, तो ये चीज़ है, ये समझते समझते समझ में आती है,
बहुत साल लग जाते हैं, मुझे भी ये चीज़ें समझ में आने में बहुत साल लगे हैं। मोस्टली हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मोस्टली हम ऐसे ही सोचते हैं। और कोई बात नहीं, अगर मैं इन चीज़ों में चेंज ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हैं, और डेफिनेटली ला सकते हैं। बट थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को समझने में। और यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स है अगेन, फिर वही चीज़ है कि धोखे की एनर्जी है, बिट्रेयल की एनर्जी है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बिट्रे किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ भी तो वही कर रहे हैं ना। जिस चीज़ को लेके आप इतना आहत हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, आप भी तो खुद को धोखा ही दे रहे हैं ना। आप भी सच को सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप भी सच को सच नहीं देखना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी और के ही पीछे हैं। तो अगर किसी ने आपको छोड़ा है तो आपने भी खुद को यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। तो गलती यहाँ पे आपकी भी है, और हम सब करते हैं इस तरह की गलतियाँ। और ये चीज़ें इतनी सीधी हैं और हम इतने टेढ़े हैं कि हमें ये चीज़ें टेढ़ी लगती हैं जो मैं अभी बोल रही हूँ। हमें लगता है ये क्या है, ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़े ना होता है, खुद को थोड़े ना प्यार करना होता है, कोई और ही प्यार करता है। प्यार तो उसे ही कहते हैं जो दूसरा मुझे करता है, मैं खुद को प्यार करूं, ये प्यार थोड़े ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन हम इतने करप्ट हो चुके हैं और हम सालों से एक थिंकिंग पैटर्न में बंधे हुए हैं कि प्यार तो कोई दूसरा ही करता है, साथ तो कोई दूसरा ही देता है, इसलिए सीधी बातें हमें बहुत टेढ़ी लगती हैं। बेसिकली हम टेढ़े हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन किया है, थोड़ा सा उस चीज़ को अब देखो। इसको मैं दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे इसका ऑरा जैसे कि सूरज निकल रहा है, जैसे कि कोई क्लैरिटी हो रही है। तो क्लैरिटी कुछ लोगों को हुई है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं ह्यूमन माइंड के लिए, उनको भी आप लोगों ने समझना और सीखना शुरू किया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनते हों, या फिर इस तरह के यूट्यूब के प्रोग्राम देखते हों, या इस तरह की बुक्स पढ़ते हों, या किसी गुरु महाराज के पास जाते हों, ठीक है। तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि आप किसी गुरु महाराज के ही पास जाएं, ठीक है, क्योंकि जो आपका अपना असली गुरु है ना, वो आपके ही भीतर है, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जाते हैं तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है अगेन, यही बताती है कि परिस्थिति विपरीत है, ठीक है, विपरीत है ना, होना तो ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन उल्टा लटका हुआ है, परिस्थिति विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद क्लैरिटी को आप गेन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप समझना चाहते हैं, उसके बावजूद अगर मैं एक वर्ड बोलूं, डिकोड करना चाहते हैं चीज़ों को, पैटर्न्स को। हो सकता है आप अपने हिडन पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हो, ये आपके ही हिडन एंड कॉम्प्लिकेटेड एजेंडाज हो, आप इनको समझना चाहते हो। और जिस दिन आप इनको समझ जाएंगे ना और इनको हल कर लेंगे, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, मतलब वो प्रॉब्लम्स आपको बॉदर नहीं करेंगी, उसके बाद प्रॉब्लम्स हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएं या वैसी ही रहें, बट वो आपको बॉदर नहीं करेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ रह जाएंगी और आपका एक लेवल अप हो जाएगा, वो आपको बॉदर नहीं करेंगी, अब उनकी पहुँच नहीं रहेगी। बेसिकली देखो, जब आप बदलते हैं तो जरूरी तो नहीं कि आपके आसपास के सब लोग बदलते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपके बदलने से उनको गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो और बुरी हरकतें करनी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी बुरी हरकतें अब आपको बॉदर नहीं करती हैं, यानी कि उनकी नेगेटिव एनर्जी अब आप कैरी नहीं करते हैं, आप उसे वेलकम नहीं करते हैं, आप उसे अपने अंदर नहीं रखते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा है जैसे कि किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है, और उसने वो गाली ले ली। सपोज करो कि किसी ने मुझे गाली दी और मैंने वो गाली ले ली, डेफिनेटली हम सब लेते हैं गाली, फिर क्या है, या तो मैं बदले में उसे गाली दूं, या परिस्थिति मेरे विपरीत है तो मैं चुप रहूं, लेकिन वो गाली सालों तक मेरे अंदर गूंजती रहती, यानी वो गाली मैंने अपने अंदर धारण कर ली है, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली है। अब अगर मैं अपने आप को डेवलप करूं और एक इंसान मुझे गाली दे, तो ना तो मैं उस गाली को लूं और ना मैं उसके गाली के बदले में उसे गाली लूं, ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। तो वो एनर्जी जो गाली की फॉर्म में मेरी तरफ फेंकी गई थी और मैंने एक्सेप्ट करना मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं इसको स्वीकार करना है, तो वो गाली की नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगी, वो उसी इंसान पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो
तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो आपको परेशान किया करते थे वो लोग या तो आपकी लाइफ में से हट गए, या आप वहाँ से हट गए, आपको वहाँ से हटा दिया गया, या उनको हटा दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया, या फिर उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस किया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसको कुछ भी कहने का, इसके लिए कुछ भी नेगेटिव करने का, क्योंकि चीज़ें हमारे ऊपर ही आ रही हैं येन केन प्रकारेण, और इसी को बोलते हैं जस्टिस। आज मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि जस्टिस क्या है, ठीक है। जस्टिस ये नहीं होता है कि उसको फांसी हो जाएगी, ठीक है, या उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा, या उसको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा। यही है जस्टिस, यही है उस इंसान की पनिशमेंट, ठीक है। आपको नहीं पता है उसे कितना हेल्पलेस होता है। पहले अगर एक इंसान आपके लिए कुछ करता था, बुरा करता था, बुरा बोलता था, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता था, तो आपको गुस्सा आता था, ठीक है, आप रिस्पोंड नहीं करते थे, आप रिएक्ट कर जाते थे, आप उसकी एनर्जी को अनजाने में ही एक्सेप्ट कर लेते थे, उसको अच्छा लगता था, उसको डबल अच्छा लगता था, एक तो आपकी बुराई करके, फिर जब आप कुड़ते थे उस चीज़ से, तब अब आपने तो रिस्पोंड करना बंद कर दिया, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं घूम फिर के उस पर ही वापस आ रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, उसे हेल्पलेस फील होता है कि मैं कुछ कहता हूँ, मेरे कहने का कोई असर ही नहीं है, मैं इसकी बुराइयाँ करता हूँ या करती हूँ, कोई असर ही नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर लिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और हमें इसी लेवल पर स्ट्रांग होना है, और मेरा और इस चैनल का मकसद यही है कि आपको इसी लेवल पर स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस इस फॉर्म में है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की दी हुई नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें, गालियाँ, बिचिंग, बैक बाइटिंग, धोखे, फ्रॉड, चीटिंग, उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। और जिस दिन आप एक्सेप्ट करना बंद करते हैं, उसी दिन ये जो तराजू का पलड़ा है, दोनों बराबर हो जाते हैं और लेन देन बराबर हो जाता है, और उस चीज़ को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। जो एक पोर्टल था ना, ये सब पोर्टल है, एनर्जी के पोर्टल है, दो लोगों के बीच में जो भी एक्सचेंज है थ्रू वर्ड्स, थ्रू एनर्जीज, वो एक पोर्टल है, तो वो पोर्टल आपने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया उस दिन, और ये ही आप लोगों के लिए जस्टिस है। और जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, आप धीरे धीरे ही सही मूव ऑन करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो सितंबर के मंथ में, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें, डेफिनेटली उस टाइम पे, हो सकता है ये अगस्त के लास्ट में हो, क्योंकि मेरी रीडिंग को आप अगस्त के लास्ट में भी देख सकते हैं और सितंबर में भी देख सकते हैं, पर जब आप देखेंगे तब आप यहाँ पे हैं कि किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सूरज भी निकल आया है, दिन भी चढ़ गया है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव भी फील करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे ही सही, नंगे पांव ही सही, बट आगे बढ़ रहे हैं। और फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, तो फीमेल हो सकती हैं आप में से बहुत सारी लेडीज हो सकती हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रही हों, तो उनके लिए डेफिनेटली है, मूव ऑन के लिए बोल रहा है सितंबर, ठीक है, और लेट गो के लिए बोल रहा है। और जब हम चीज़ें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिव चीज़ों के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी पीछे छूट जाती हैं, सो डोंट वरी, वो पॉजिटिव चीज़ें आपको ढूंढ लेंगी। कुछ रिश्ते बहुत बार ऐसे टूट जाते हैं कि चार लोग नेगेटिव थे, पांचवे के साथ भी फॉर टाइम बीइंग कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, बट वो पांचवा आपको मिल जाएगा, वो ढूंढ लेगा आपको, वो रास्ता ढूंढ लेगा, वो यूनिवर्स आपको पहुंचा देगा वो चीज़ जो आप तक पहुंचने के लिए डेस्टाइंड है। और यहाँ पे आप सोचेंगे बहुत, सेप्टेम्बर का मंथ है आपके लिए बहुत बहुत सोचने का, और ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की एनर्जी है, ये होच पोच एनर्जी नहीं है, ये टू ऑफ सोर्ड्स नहीं है, ये एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि वन सोर्ड, ओनली वन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन को क्लियर करेगा सितंबर आप लोगों के लिए। अगर आप कंफ्यूज रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे मोस्टली आपका सारा का सारा जो रीडिंग का टोन है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल और लव, प्यार, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, इंटीमेसी, इस सब के रिगार्डिंग ही लग रहा है। इसमें इतना ज़्यादा करियर का एंड ऑल का नहीं है, ठीक है, और करियर का भी अगर है तो उसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ का, उस तरह का है। तो यहाँ पे आप ना मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी प्लान्ड वे में कहीं ना कहीं चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में थिंक करेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या हो तो क्या हो, मुझे कैसे सोचना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे करना है। और जब आप इतना क्लियर हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो न्यू वर्क पॉसिबिलिटीज़ भी आप लोगों के लिए खुलेंगी, एक न्यू पर्सन भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में डन हैं पुराने रिलेशनशिप्स के साथ, तो नए लोगों के साथ आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, नए सोशल सर्कल में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और यहाँ पे डिवाइन हेल्प काफ़ी आपको मिलेगी। डिवाइन हेल्प ऑब्वियसली आपको इंसानों की ही फॉर्म में मिलेगी, बट वो इंसानों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही पुश किया है आपकी तरफ। तो अगर आप
रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए लोग आपके पास आएंगे, नई फ्रेंडशिप्स आप बना सकते हैं, नई पार्टनरशिप्स आप बना सकते हैं, नए लोगों के साथ मिलना बैठना उठना इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हैं। बेसिकली न्यूनेस है, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए सेप्टेम्बर के मंथ में। अब आप सेप्टेम्बर के मंथ को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सितंबर के इस बहुत अच्छे से टाइम को ना वेस्ट कर दें सोचने में कि ये करूं कि ये करूं, कंफर्ट जोन से बाहर आऊं कि नहीं, सारा दिन मैं रो करूं और सैड सॉन्ग सुनूं या मैं कुछ एक्शन लूं। वॉन्ट्स ना एक्शन के कार्ड हैं, तो एक्शन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का टोटली मिसिंग हो, वो सोचते ही रह जाए। बहुत बार होता है ना कि हम सोचते बहुत करते कुछ नहीं है, क्योंकि सोचने का तो है, सोचेंगे कंस्ट्रक्टिव वे में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने का ये है कि टू ऑफ वॉन्ड्स है, काफी लोग बढ़ जाएंगे, काफी लोग सोचेंगे, काफी लोग सोचते ही रह जाएंगे, और काफी लोग हो सकता है सितंबर में सोचे और अक्टूबर में जाके आगे बढ़े, तो इस तरह का हो सकता है। तो बढ़ना चाहते हैं, वो चीज में मन बना लिया है, समझ में आ गया है क्या करना है, और काफी सारे लोगों का यहाँ पे ना विदेश जाने का और जॉब में ट्रैवलिंग का और जॉब प्रमोशन का और करियर में एक्सपेंशन का, और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का, और क्या है इसमें, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग डिसीजन लें कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, मुझे अब बिजनेस करना है, ठीक है, या बिजनेस मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे एक जॉब ही लेनी चाहिए। तो इस तरह से ना हर चीज में एक फर्म डिसीजन आप लोगों को लेने की जरूरत है, ठीक है। तो वो आपका सबका अपना अपना अलग अलग होगा कि आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, मिली जुली एनर्जी है यहाँ पे, आप सेविंग्स भी करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप शेयरिंग भी करेंगे अपने नॉलेज की, आप बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आप किसी की पैसे से हेल्प भी कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं सितंबर के मंथ में, और चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, चैरिटी आप कर सकते हैं, और बिना किसी पार्शियलिटी के आप हेल्प करेंगे। प्रमोशन के लिए ये कार्ड भी बहुत अच्छा होता है, और मिल बांट के आगे बढ़ना, ठीक है, टीम वर्क के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे सेविंग्स करना, पैसे की कदर करना, पैसे से पैसा बनाना, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो पैसे की वजह से भी कोई तंगी नहीं है सितंबर के मंथ में आप लोगों को, पैसे वाइज भी आप लोगों का ठीक रहेगा। और यहाँ पे है टोटैलिटी का कार्ड है, तो टोटैलिटी मैंने बोला है कि सितंबर के मंथ में ना आप लोग नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है, और कंप्लीट फील करेंगे उसके साथ, एक टोटैलिटी की फीलिंग को फील करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, बाहर निकलेंगे, जो आप हो सकता है पूरा अगस्त ही आपने ऐसा निकाल दिया हो कि बस पड़े हुए हैं, ठीक है, बोरे की तरह से और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तीन लोग हैं 1 2 3, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या एक दूसरे के सपोर्ट से, किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ना, या आपके सपोर्ट से कोई और आगे बढ़े। तो टीम वर्क बेसिकली मुझे लग रहा है, जॉब में, करियर में, फाइनेंस में ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे है सेपरेशन। अब क्या है, ये सब जो कार्ड थे ना नेगेटिव वाले, ये क्या होता है, आप लोग नोटिस करना इस चीज को, हर बात को इसलिए नहीं मान लेना है कि कोई बोल रहा है या मैं बोल रही हूँ, फील करना इस चीज को। सपोज करो आपकी लड़ाई होगी आपकी मम्मी से, ठीक है, या आपकी लड़ाई होगी आपके बॉयफ्रेंड से, आपके फ्रेंड से, या आपकी किसी से भी, ठीक है, लड़ाई होगी, वो बात छोटी सी होती है लेकिन हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, कभी सोचा आपने क्यों? और जब वो फेज निकल जाता है फिर आप अगेन से सोचते हो, यार बात तो इतनी सी थी, मैंने इतना रिएक्ट क्यों कर दिया, मैंने बात को इतना क्यों बढ़ा लिया, कभी सोचा है क्यों? वो इसलिए कि जब से आप पैदा हुए हैं, बचपन से ही सोसाइटी हमारी इस तरह की है कि हमें गुस्सा आया है तो हमें हंसना पड़ता है, ठीक है, हमें गुस्सा आया है तो हमें दबाना पड़ता है, हमें रोना आया है तो हमें हंस के दिखाना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से बनी हुई है कि हमारे एक्सप्रेशन, हमारा गुस्सा, हमारी फीलिंग्स को हम हर टाइम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो ढेर सारा सप्रेशन हो जाता है। और जब कोई मौका मिलता है ना, बात छोटी सी होती है पार्टनर की या सासू माँ की या अपनी मदर की भी, और हम रिएक्ट करते हैं इतना सारा बड़ा, यानी कि हमें मौका मिल गया, जो हमारे अंदर दफन है, ये है दफन चीजें, दफन इमोशंस हैं ये आपके सप्रेशन, तो वो एकदम से ना एटम बॉम्ब की तरह से निकल के बाहर आता है। तो यही हुआ है आप लोगों के साथ ना, सो डोंट वरी कि ये जो रिएक्शन मैंने दिया है ये इसी इवेंट का था, हो सकता है ये सब आपके अंदर भरा हुआ है और मौका देख के ये बाहर निकला है, ठीक है। तो सितंबर में और ज़्यादा आप लोगों को
सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, सोर्स की एनर्जी है। तो आपकी रीडिंग का टोन आपने महसूस किया होगा ना, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा अलग ही था। ऐसी रीडिंग आज से पहले कभी हुई ही नहीं है। तो उसमें यही है कि एक इंसान एक व्हील के पार, व्हील बोलते हैं ना, पर्दे के पार क्या चीजें चल रही हैं, पर्दे के पार गेम किस लेवल का चल रहा है, तो उस तरह से आप सोचेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि ये सोर्स जो है ना हर चीज का मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर है मेरी खुशियों का सोर्स, मेरे ही अंदर है मेरे दुख का सोर्स। बस मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा भ्रम है कि खुशी मुझे सामने वाले से मिल रही है, या सामने वाला मुझे खुशी नहीं दे रहा है, या सामने वाले ने मेरी खुशी छीन ली। ठीक है, तो इस सोर्स के साथ ना अनजाने में ही सही एक एनकाउंटर हो जाता है ना हमारा, तो वो होगा आपका डेफिनेटली। आपको ये चीज समझ में आएगी और इम्प्लीमेंट करना बहुत दूर की बात होती है। सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए, कंपैरिजन है, किसी भी दो तरह की चीज़ों का कंपैरिजन ना करें, अपनी पास्ट लाइफ का अपनी प्रेजेंट लाइफ से, अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स का अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप से, अपनी पास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ का फिलहाल वाली ग्रोथ से, अपनी पास्ट जॉब का या बिजनेस का या करियर का अब वाली करियर ग्रोथ से। कोई मुकाबला ना था ना है, ठीक है, तो उनके साथ कोई आप लोगों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और अपना कंपेयर भी आपको दूसरों के साथ करने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो जो भी आपने हार्ड वर्क दिया है लाइफ में, जिस भी चीज में, जिस भी डायमेंशन में, तो वहां पे आपको उसके फ्रूट्स भी आप मिलने शुरू होंगे। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को आप लोगों को रिलीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? म्यूजिक थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, ग्राउंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और बहते हुए पानी के पास बैठें, उससे बहुत एनर्जी हील होती है, और जिम ज्वाइन करें और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, दौड़ें, स्प्रिंट्स लगाएं, ये सब नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए ही होते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो कोई नया इंसान, न्यू रोमांटिक साइकिल अपने ही पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे है टेक टाइम टू बीड आउट, तो यहाँ पे भी ये भी सेल्फ केयर के लिए ही, बेसिकली अपने आप को टाइम देना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को संवारना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आपकी रीडिंग में फील कर पा रही थी, वही चीज़ें घूम फिर के डूज एंड डोंट्स में, गाइडेंसेज में दोबारा से रिपीट हुई हैं। और यहाँ पे है लेट गो है गाइस, आप लोगों के लिए ना आपको ना चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से नेगेटिव टोन पे होती हैं और होती ही रहती हैं और हम वही फंस के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम दोष दूसरों के मत्थे मढ़ते हैं, बट दिस इज़ आर लाइफ, ये हमारी लाइफ है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम इसकी चिंता नहीं करते हैं और अगर हम अपनी केयर नहीं करते हैं तो हमारी केयर करने वाला दूसरा कौन होगा। और एक चीज़ ये भी है कि जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता है वो कैसे एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा उसे प्यार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ को माइंड में रखे, अगर आपने पूरी ये रीडिंग देखी है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो होगा, उसके लिए यस आया है। और नो नीड टू वरी है, बेसिकली आप लोग ना बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो चिंता आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता में ना आपकी ही टाइम और आपका ही एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ से निकलता कुछ भी नहीं है। तो चिंता करने की बजाय मैं बोलूँगी एक्शन लीजिए, छोटा ही सही बट कोई एक्शन लीजिए। और यहाँ पे है अनलाइकली है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से लेकिन रिजल्ट ना मिल रहा हो, ठीक है। तो इसमें नो तो नहीं है, अनलाइकली का मतलब यही होता है कि बहुत मुश्किल से होगा, होने के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत थिन चांस हैं, बट अगर आप वहाँ जोर लगाते ही रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब वो हो जाएगा ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके मुताबिक नहीं आएगा, या आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको मज़ा नहीं आएगा, तो बेटर है कि इसी टाइम और एनर्जी को, इसी फोकस को आप वहाँ लगाएं जहाँ के लिए ये ऐसा आया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और सॉरी, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, कनेक्ट किया, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप शेयर करते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं मेरी टैरो की वीडियोज, चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, जवाब भी देती हूँ, यू ऑल नो, तो कॉमेंट्स करके बताना है। और
बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये रीडिंग्स मैं खत्म करूंगी वीडियोस ये वाली सीरीज, उसके बाद हम यूनिवर्सल जस्टिस फॉर एवरी सोल ट्राइब फॉर एवरी जोडियक में शुरू करूंगी। तो बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब बहुत जरूर से कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।